विशेष खबर। गुप्त सूचना के आधार पर पाकुड़ पुलिस को बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसकी जानकारी देते हुए समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में एसपी शैलेंद्र वर्णवाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जेठा टुंडू कुछ अपराधियों के साथ मिलकर विस्फोटक पदार्थ लाया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी टीम गठन कर हिरणपुर थाना अंतर्गत ग्राम भंडारो जिला पाकुड़ के जेठा टुड्डू के घर पर छापामारी की। छापामारी में जेठा टुड्डू के घर से 340 पीस डेटोनेटर, 269 पीस केला पावर जेल तथा 3 प्लास्टिक बोरी में क्रमशः 20 किलो, 2 किलो एवं 5 किलो यूरिया बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी देखकर दो लोग भागने में सफल रहे। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र वर्णवाल ने बताया कि पूछताछ करने पर जेठा ने बताया कि भागने वाले दो लोग में एक करसर मालिक सबीर अली ग्राम झांझर हटी थाना पाकुड़ और दूसरा मुंशी मोहन यादव ग्राम तुसार डी हिरणपुर रहने वाला है। मांगे जाने पर जेठा टुड्डू कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके कारण उसे हिरणपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। जेठा टुड्डू ने बताया कि उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा घर पर विस्फोटक रखने के एवज में प्रतिखेप में 15,000 उन्हें दिया जाता था। छापामारी दल में अशोक कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अवर निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी हिरणपुर एवं सशस्त्र बल शामिल थे। खबर 365 न्यूज के लिए पाकुड़ से गणेश झा की रिपोर्ट। जिसमें हिरणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडारो गांव है, वहां पर एक जेठा टुंडू के घर में कुछ एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ होने की सूचना मिली थी। उसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया, डीएसपी थाने प्रभारी वहाँ और क्यूआरटी के साथ फोर्स को भेजा गया। उसे घर की जब तलाशी ली गई तो वहाँ से 3 बोरी अमोनियम नाइट्रेट और करीब 360 पीस डिटोनेटर और 279 पीस जेलेटिन पावर जेल वहाँ से बरामद किया गया है। जेठा टुंडू को गिरफ्तार किया गया। उसके कन्फेशन में जो बातें आई हैं कि एक सब्बीर अली जो कि क्रशर मालिक है और उसका मैनेजर मिस्टर यादव, ये दोनों ने उनके घर पर रखा था और उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे देने की बात हुई थी। सामान रखने के बाद ही हम लोग को सूचना मिली थी और उसके बाद लगातार हम लोग उसको फॉलोअप कर रहे थे और कल ही छापामारी की गई और इसको बरामद किया गया है। विस्फोटक पदार्थ इस तरह से घर पर रखना, चूँकि वो पूरा एरिया जो पड़ता है वो सिविल एरिया है, ट्रैवल्स एरिया है, और इस तरह से जो रखा गया है विस्फोटक पदार्थ, ये काफ़ी घातक हो सकता था और समय रहते पुलिस ने इसको बरामद कर लिया है और किसी बड़ी अनहोनी घटना होने से इसको रोका गया है। फर्दर जो फॉलोअप है। खबर 365 न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबरों पर सुझाव दे सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।